एक सवाल है, आप कहते हो साहब कोरोना की वजह से गाड़ियां बंद हैं, आपने सारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर खोल दिया, जितने भी देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो बस का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो निजी गाड़ियां हो, सबको आपने खोल दिया विदाउट किसी फ्रीक्वेंटली, आप आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, उससे कोरोना नहीं फैल रहा। आप इंडियन रेलवे को कोरोना के नाम पे बंद किए हो, ऐसा नहीं, कोरोना के नाम पे नहीं बंद किए, ये उन 150 गाड़ियों का टाइम एडजस्ट करने के लिए, उनका अच्छा टाइम स्लॉट देने के लिए एक टाइम टेबल बना रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप नया टाइम टेबल उन 150 गाड़ियों को ध्यान में रखते हुए बनाइए, और उन गाड़ियों को 200 किलोमीटर का सिग्नल क्लियर होना, लाइन क्लियर 200 किलोमीटर होनी चाहिए। तो वो टाइम टेबल, चूंकि इंडियन रेलवे इतना बड़ा सिस्टम है, जब हम पहले टाइम टेबल बनाए तब 1 से 2 महीना लगता था, सिर्फ रिव्यू करते थे, आज हमें पूरा नया टाइम टेबल बनाना है तो वो काम 3 से 4 महीने का है। इन्होंने उस काम को जुलाई से शुरू किया है और ये दिसंबर तक खत्म कर लेंगे, दिसंबर तक आपकी कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी। आप इस बात को समझिएगा, कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना की वजह से तो मीडिया और टीवी में बताया जा रहा, लेकिन अंदर खानों में वो 150 गाड़ियां कैसे सक्सेस हों, कैसे उनको ज्यादा पैसेंजर मिले, कैसे प्राइवेट लोग फायदे में जाएं, उसका प्लान चल रहा। हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम रेलवे बोर्ड की हर एक चाल को जानते हैं।